स्क्रीन बड़ी कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटे, नाइन्थ क्लास पार्क स्टडी की क्लास है ये। मैं आप लोगों को बेटे पहले चार लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। लास्ट टाइम हमने 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना क्वेश्चन जो है मुकम्मल कंप्लीट किया था। कायदे आजम के 14 नकात लिखें, राइट, 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा बेटे, ये 14 नकात आपने 8 क्लास में भी पढ़े और उसके अलावा आगे आपने 9th क्लास में भी वही चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। 14 पॉइंट्स जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। इसकी खूबसूरती ये है कि पार्क स्टडी में जो कुछ चीज़ें पहले लिखी जा चुकी हैं वो आगे वैसे रिपीट होती हैं, उसमें कुछ चेंज तो नहीं होता। अलबत्त आपने इसको लर्न करना है और इसमें मजीद बेहतरी लानी है कि यानी पहले अगर पॉइंट्स में जो कुछ लिखने में कोई मसला अगर था तो आपको 9th क्लास में वो नहीं होना चाहिए। और इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया था मजीद ताकि किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उसको समझ लें। आगे बेटे, आज पांचवा सवाल हम स्टार्ट करेंगे कायदे आजम की सियासी और आईनी कोशिशों के हवाले से, क्या हमें पाकिस्तान में उनका किरदार बयान करें। ठीक है, रोल ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का आपने किरदार बयान करना है किन हवालों से बेटे, आईनी और सियासी कोशिशों के हवाले से, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बेटे कहते हैं आईनी, ठीक है, और पॉलिटिकल कहते हैं सियासी को। तो बेटे यानी सियासत के हवाले से ऐसे क्या इकदामात किए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऐसे क्या कोशिशें की सियासी हवाले से और आईनी हवाले से, ऐसी क्या कोशिशें थी, ऐसे कौन से आपकी जो बसारत थी जिसकी वजह से आपने वो फैसले किए सियासी लिहाज से और आईनी लिहाज से जो बाद में पाकिस्तान के कयाम का सबब बने, पाकिस्तान जिससे बन गया। ठीक है, तो हम इसका हिस्टोरिकल आज मुतालिया करेंगे। तो बेटे इंट्रोडक्शन या हरफ आगाज सबसे पहले कि यानी इसमें आप थोड़ा सा बता देंगे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हस्ती कौन है। बेटे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होने वाली शख्सियत। इन्होंने इंग्लिस्तान से बारट लॉ किया, अपनी तालीम हासिल की और वहां से जब हिंदुस्तान आए, अपने होम टाउन वापस आए, तो यहाँ आकर उन्होंने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की। पहले ये एक वकालत चूंकि इन्होंने की थी तो वकील की हैसियत से मुख्तलिफ जो केसेस को देखा उसमें शोहरत हासिल की, वकील के तौर पर इंडिया में जाने जाते थे। और उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की बड़ी पार्टीज में से एक पार्टी को चुना जिसे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कहते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी इंट्रोडक्शन में के इस चैप्टर के हम स्टार्ट में पढ़ रहे थे और आपने पहले भी इस चीज को पढ़ा होगा, अगर नहीं तो आप उसको याद कीजिएगा, मैं दोबारा बताइए देता हूँ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी उन्हीं लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग की बजाय कांग्रेस को पहले ज्वाइन किया था। इसकी दो वजूहत, एक तो बेटे ये कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब अपना पोलिटिकल करियर स्टार्ट किया उस वक्त मुस्लिम लीग थी ही नहीं, मुस्लिम लीग बनी ही नहीं हुई थी, मुस्लिम लीग तकरीबन उसके 3 माह के बाद बनी थी। कायदे आजम ने अक्टूबर में अपना करियर स्टार्ट कर दिया था और जबकि मुस्लिम लीग जो है वो दिसंबर में बनी थी जहाँ, ठीक है, उस साल के 1906 में ही कायदे आजम ने स्टार्ट किया था अपना पॉलिटिकल करियर, 1906 में ही मुस्लिम लीग बनी थी, लेकिन दिसंबर में मुस्लिम लीग बनी और कायदे आजम ने 2-3 महीने पहले ही अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कर लिया था। और दूसरी वजह यह है कि मुस्लिम लीग जब इस्टेब्लिश हुई थी तो कोई वेल नोन पार्टी नहीं थी, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके बारे में लोग बेहतर ख्याल नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ अकाबरीन मुस्लिम की पार्टी थी, कुछ ऐसे बड़े पैसे वाले मुसलमान और बड़े शोहरत वाले मुसलमान थे जिन्होंने इस पार्टी का आगाज किया था। तो शुरू में ख्याल किया जाता था कि ये इनके अपने जो है वो जाती तौर पर जो मफाद हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने जो है वो पोलिटिकल पार्टी बनाई है,
लेकिन बाद में ये नतीजा जो है वो नहीं निकला, बल्कि इसके नतायज बड़े ही अलग जो है बरामद हुए, क्योंकि ये पार्टी फिर बाद में पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की पार्टी बन गई कि उनके हकूक का तहफ्फुज ये पार्टी करेगी। ठीक है, तो कायदे मोहम्मद जिन्ना ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। आगे बेटे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मिंटो मॉर्ले इस्लाहात। मिंटो जो है बेटे ये एक वायसराय था, लॉर्ड मिंटो के नाम से भी इसको जानते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। में ये सब कॉन्टिनेंट में एज ए वायसराय यहां पर ये आया और इसने इस्लाहात का नफाज किया मिंटो ने 1909। ठीक है, यानी ये जब आया 1909 में, ठीक है 1909 में इस शख्स ने आकर इंडिया में एज ए क्या कहते हैं इसको, एक डेजिग्नेशन है जो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था कि वाइसराय कहा जाएगा उस शख्स को जो हिंदुस्तान का सरबराह होगा, तो एज ए वाइसराय इसने हिंदुस्तान में अपना ओहदा संभाला। ठीक है, और वाइसराय हिंद काउंसिल के अरकान की तादाद भी 16 से बढ़ाकर 28 कर दी गई। ठीक है, 1909 में इस्लाहात किसे कहते हैं बेटे, रिफॉर्म्स कहते हैं, रिफॉर्म्स से मुराद है बेहतरी। यानी मिंटो जो है, लॉर्ड मिंटो के बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा सा नरम गोशा रखता था मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, मुसलमानों के लिए एक नरम गोशा रखता था कि इस शख्स ने मुसलमानों की तादाद बढ़ा दी थी। कुछ ऐसी काउंसिल्स में जहां पर मुसलमानों की तादाद 16 थी, वहां पर उसने 28 कर दी। मुसलमानों का इतराज था कि हमारी तादाद कम है, इस वजह से हम कोई भी इतराज करते हैं या कोई भी जो है वो बात आगे पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी तादाद चूंकि कम होती है, तो इसलिए मेजोरिटी अथॉरिटी के तहत जो लोग ज्यादा तादाद में होते हैं, जो हिंदू होते हैं, उनको ज्यादा तरवीज मिल जाती है, उनको ज्यादा जो है वो तरजीह दे दी जाती है, हमको वो तरजीह नहीं दी जाती, तो लिहाजा हमारी तादाद कम अज कम इतनी कर दी जाए। ठीक है, कि अगर किसी बात पे हमें एतराज हो तो लोग हमारी बात भी सुने। यानी मुसलमान तादाद में इतने थोड़े थे, आटे में नमक के बराबर थे, जिसकी वजह से अगर इन्हें कोई एतराज भी होता था तो लोग कहते थे कि इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर इन्हें कोई एतराज है तो हम क्या करें। ठीक है, तो इसलिए हिंदू बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देखे पर थे और मुस्लिम्स के बेनिफिट जो है प्रायोरिटी पर बिल्कुल नहीं थे। अच्छा जी बेटे, उसके बाद है जी मुस्लिम लीग में शमूलियत। तो यानी कायद आजम ने पहला काम क्या किया, मुसलमानों के लिए रिफॉर्म्स करवाई, मुसलमानों की तादाद असेंबली में बढ़वाई ताकि इनकी बात भी सुनी जा सके। और नंबर दो है मुस्लिम लीग में शमूलियत। ठीक है, ज्वाइन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं इसको मुकम्मल तौर पर। ठीक है, तो कायदे आजम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए फिर बाकायदा। पहले मैंने बताया कांग्रेस में थे, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, लेकिन कायदे आजम ने इसे 1913 में ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग में शमूलियत कब हुई, 1913 में, 1913 में। ये आपको एमसीक्यू भी आता है कि कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया। तो बेटे 1913 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ा। ये भी बात है, कांग्रेस को नहीं छोड़ा। कांग्रेस को क्यों नहीं छोड़ा मेरे बच्चों, इसकी वजह यह थी कि एक तो कायदे आजम कहते हैं लखनऊ पैक्ट एक हुआ था इंडिया में 1916 में, लखनऊ पैक्ट जिसे हम उर्दू में कहते हैं मीसाके लखनऊ। मिसाके लखनऊ, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था बेटे ये। इस पैक्ट के तहत ये बात जो है वो सामने आई कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को टाइटल दिया गया था उनकी एफर्ट्स की वजह से, दैट ही इज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर हैं। यानी कायदे आजम ही वो पर्सनैलिटी है इंडिया में जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश की, किस लिए, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो आप ये सवाल जो है वो इस तरीके से याद रखेंगे कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए यहाँ के बासियों को, यहाँ के रहने वालों को इकट्ठा किया, उन्हें ये बात समझाई कि मुसलमान और हिंदू आपस में मत लड़े, इकट्ठे हो जाएं, आपसी तफर्रुकात को, आपस की प्रॉब्लम्स को छोड़ दें, इस वक्त बाद में देखा जाएगा,
अभी फिल वक्त अपने दुश्मन से जान छुड़ाएं। ठीक है, काफी जो तगोदो के बाद ये मिसाके लखनऊ हुआ और एक हिंदू सरोजनी नायडू ने ही कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बानी। ठीक है, तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये टाइटल भी गेन किया। इसके बावजूद कुछ जो ऐसे पोलिटिकल लीडर्स थे जो कांग्रेस में शामिल थे उनको ये चीज पसंद ना थी कि कायद आजम जो है वो क्यों इतना ज्यादा फेमस हो रहे हैं, वो इतने ज्यादा क्यों लोगों के दरमियान मकबूल हो रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जो एक नफरत पाई जाती है इस बिना पर कि जनाब जो इंतहा पसंद हिंदू है मुसलमानों को देखना ही नहीं चाहते, तो लिहाजा उन्होंने फिर इस चीज को जो इतनी कोशिशों के बाद हासिल की थी इसे फिर नुकसान पहुंचाया और लिहाजा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर दोबारा से मुस्लिम लीग को ही इख्तियार कर लिया और कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, मिसाके लखनऊ 1916, ये अगला पॉइंट भी है। तो 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी और इसके बाद 1920 में कायद आजम को जो तंग किया गया फिर दोबारा से इन्होंने नुकसान पहुंचाया, उनकी काविशों को, उनकी एक पूरी एक एफर्ट को नुकसान पहुंचा दिया। इससे बेटे क्या हुआ कि 1920 में फिर उन्होंने कांग्रेस को लीव कर दिया, लीव कांग्रेस, लेफ्ट कांग्रेस। कायद आजम ने फिर कांग्रेस को छोड़ दिया और सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ ही शमूलियत इख्तियार की। ठीक है, तो बेटे इसके बाद 1919 रॉलेट एक्ट, ठीक है, सिडनी रॉलेट नाम का एक शख्स जो है वो हिंदुस्तान में आया 1919 में। ठीक है, इसने आकर एक नया कानून बनाया जिसमें मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर फिर दोबारा से हर हक से महरूम करने की कोशिश की गई, उनके हकूक पहले से मजीद कम कर दिए गए और कई हकूक हकायक से महरूम कर दिया। अब ये जो शख्स जो आया सिडनी रॉलेट आया, इसने जो एक्ट यहां पर पास करवाया था उसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं? रॉल्ट एक्ट या रॉलेट एक्ट। ठीक है, आर ओ डब्ल्यू ए एल टी। ठीक है, रॉल्ट एक्ट, ये शख्स जब यहां पे आया इसका नाम था सिडनी रॉल्ट। ठीक है, तो इसने आकर यहां पर जब जो है ये कानून मुतारफ कराया तो कायद आजम ही वो शख्सियत थे जिन्होंने इसको बदमला काला कानून कहा कि ये एक ब्लैक लॉ है, रॉलेट एक्ट जो है ये यहां पर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, इस कानून की कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी दिल आजारी करने के लिए किया गया है। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रॉलेट एक्ट मंजूर किया जिसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का अख्तियार दे दिया गया। नहीं जी, यानी किसी भी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, खा उसके पास वारंट है कि नहीं। इस कानून के तहत मुल्जिम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा चलाया जा सकता था, यानी उसके ऊपर उसे कहने का हक भी नहीं होगा कि जनाब मैंने ये नहीं किया। ठीक है, तो कितने बड़े जुल्म की बात है। तो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुसव्वदा यानी कानून की मुखालफत की और इसे गैर आइनी करार दिया। एहतजाजन उन्होंने वायसराय हिंद की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूं कि जो हुकूमत जमाना में अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है मुहज़्ज़ब हुकूमत कहलाने का कोई हक नहीं रखती। ता मुझे उम्मीद है वजीर अमूर हिंद ताजदार बरतानिया को यह मशवरा देंगे कि वो इस काले कानून को मुस्तरद कर दे। ठीक है, तो बेटे ये पॉइंट जो है ये वाजे है कि यानी काले कानून, काला कानून इसे क्यों कहा गया, ब्लैक लॉ क्यों कहा गया, क्योंकि इसने मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के लिए, खास तौर पर यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कोई चांस नहीं छोड़ा था कि उसकी मुखालफत करेंगे। देखिए कि उन्होंने कहा कि कोई किसी किस्म के वारंट की जरूरत नहीं है किसी को पकड़ने के लिए, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे सफाई पेश करने का भी हुक्म था, उसको हक हासिल नहीं होगा। इट इज अ ब्लैक लॉ, इट्स टोटली अ फेक लॉ। ठीक है, ये किसी भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा एक्ट नहीं हो सकता, ये अनसिविलाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हो सकता है जो बाकी लोगों को इंसान ना समझे, और किसी को इंसान का हक ना देना ये यकीनन एक बहुत ही गैर इंसानी बात है। कोई भी इसको इस हवाले से कभी भी जो है वो इसको सही नहीं करार दे सकता जो सही जहन का मालिक कोई भी गवर्नमेंट वाला है। अच्छा जी बेटे, नंबर पांच है कि 1919 में, मैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, 1919 में फिर कायद आजम ने मशहूर 14 नकात पेश किए। ठीक है, ये 1920 तक अपने बेटे किया। अच्छा, 1919 में रॉलेट एक्ट,
ठीक है, और 1929 में 14 पॉइंट्स, यानी ये एक पॉलिटिकल एफर्ट, कायदे आजम का एक बहुत आला जो स्टेप के इन्होंने 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए। नहीं बेटे, रॉलेट एक्ट मुस्लिम नहीं था। रॉलेट जो है ये बेसिकली बरतानिया की जानिब से भेजा गया एक वजीर कानून था, ठीक है, तो इसका इसने ये कानून बनाया था, ठीक है, ही वाज अ लॉ मिनिस्टर। अच्छा जी, उसके बाद बेटे आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग हुकूमत बरतानिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड इंडिया एक्ट 1935, ठीक है बेटे आगे बढ़ते हैं। तो पहले आ जाएगा जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या है बेटे? ये 1930 से स्टार्ट हुई और 1932 तक नहीं, ठीक है, ये तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी। इन कॉन्फ्रेंसेस में इंडियंस को बुलाया जाता था, ठीक है, लंदन में हुई थी तीनों कॉन्फ्रेंसेस, और इनमें मुस्लिम को और इंडियंस को यहाँ से हिंदुस्तान से बुलाया जाता था, जिसमें कायदे आजम और अल्लामा इकबाल दोनों हस्तियां वहां पर तशरीफ ले गए और उन्होंने जाकर वहां पर अपने अपने पॉइंट्स को बताया, जहां पर यानी उन्होंने पाकिस्तान आइडियोलॉजी की भी बात की। नंबर सेवन, 1935 एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1935 एक्ट ऑफ इंडिया यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की तरफ से, ताकि इंडिया की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जाए, देखा जा सके, ठीक है। तो हुकूमत बरतानिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने ही इसे नापसंद किया, ठीक है, तो यानी इसको मंजूर करने से मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इनकार कर दिया था कि ये कानून हम इसको नहीं मानेंगे, जिसके तहत जो है आम इंतखाबात करवाए जाएंगे, यानी ये काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। तो 1935 का अगर एक्ट ऑफ इंडिया मंजूर कर लेते तो इसका मतलब ये था कि हम बरतानवी हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, ठीक है, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इन दोनों के ऊपर जो है एतराज किया और उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन चाहते हैं, आप इलेक्शन करवा दें, यानी बरतानिया गवर्नमेंट यहाँ से इलेक्शन करवा दें, यहाँ की हुकूमतें जो है वो यहाँ के लोगों को देकर यहाँ से चलते बने, ठीक है जी। उसके बाद बेटे जी मुस्लिम लीग की प्रेसिडेंसी, यानी प्रेसिडेंटशिप जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पास आ गई, मुस्लिम लीग के बाकायदा सदर हो गए 1934 में। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दूसरे सरकर्दा मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के कहने पर हिंदुस्तान से वापस आ गए, ठीक है बेटे। कहा जाता है कि 30 से 32 तक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, इसमें मुस्लिम्स और हिंदू दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहे, बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, ठीक है। तो आखिरकार क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट रहने की बिना पर जो है कायदे मोहम्मद अली जिन्ना मुतरफर हो गए इस तमाम एफर्ट से और वो इंग्लिस्तान चले गए, इंग्लैंड चले गए। फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लामा इकबाल ने बुलवाया कि आपके बगैर यहाँ की प्रॉब्लम जो है वो कोई नहीं सॉल्व कर सकता, इसलिए मुसलमानों के लीडर आप हैं, वापस आइए और उनकी इनको इस मुश्किल लम्हे में आप उनका साथ दें, ठीक है। और जब वो वापस आए 1934 में तो उन्हें फिर मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना दिया गया। आगे है जी करारदादे लाहौर 1940, लाहौर रेजोल्यूशन 1940, लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 लाहौर में एक तारीख साज जलसा हुआ। ये अल्फाज आपने कई मरतबा सुने बेटे, 23 मार्च 23 मार्च जिसको हम पाकिस्तान डे के नाम से जानते हैं, 1940 23 मार्च को ही पाकिस्तान का यहाँ पर बाकायदा तौर पर नाम लिया गया। लाहौर में जहाँ आज मीनार पाकिस्तान है, एक पार्क हुआ करता था जिसको उस वक्त मिंटो पार्क कहते थे, यहाँ एक सेशन हुआ, एक जलसा हुआ, जिसमें हिंदुस्तान भर के जो जितने भी मुसलमान थे उन्होंने हिस्सा लिया और यहाँ पर आए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज पर लबैक कहा और आखिरकार 1940 में जो है वो करारदादे लाहौर मंजूर हुई, जिसमें एक अलग स्टेट का जिक्र था, ठीक है, कि पाकिस्तान बनाया जाएगा हिंदुस्तान के मसाइल को हल करने के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए। तो बेटे इस तारीख को हम पाकिस्तान डे की हैसियत से जानते हैं। 1945 to 1946, 1945 से 1946 के इंतखाबात बेटे, 1945 और 1946 में फिर इलेक्शन हुए। इन इलेक्शन के अंदर जो है
इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद इलेक्शंस के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग कामयाब ठहरी। पहले हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा 36-37 में इलेक्शंस हुए थे बेटे, उसमें कांग्रेस कामयाब ठहरी थी, मुस्लिम लीग पिट गई थी, हार गई थी। और 45-46 में जो इलेक्शन हुए इसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को चैलेंज किया था कि आप अपनी सीटें भी नहीं जीत सकते, ठीक है, तो हम आपको जो है हरा देंगे बड़े बुरे तरीके से। मुस्लिम लीग ने अपनी सीटें फुल जो है वो सेंट्रल में जीती थी और 84% सीट्स जो हैं इन्होंने जीती थी प्रोविंशियल लेवल पर, तो लिहाजा मुस्लिम लीग बड़े अच्छे मार्जिन से कामयाब हुई, इसलिए कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। आगे बेटे काबीना मिशन की तजावीज, बेटे कैबिनेट मिशन जो है उसके बाद आया 45-46 इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हुए थे जिसमें कांग्रेस जीत गई और 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसको हम उर्दू में काबीना मिशन कहते हैं, ठीक है। इसे काबीना मिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटे इसके जितने मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन के, 1946 में मिशन आया था, इस मिशन के अंदर जितने भी मेंबर्स शामिल थे वो सब सबके सब ब्रिटिश कैबिनेट के साथ ताल्लुक रखते, ठीक है, इससे से कैबिनेट मिशन कहते थे। तो इसकी जो प्रपोजल्स आए थे, जो इसकी प्रोविजंस थी, कायद आजम ने उनके ऊपर क्या अपने तासुर का इजहार किया। आपने काबीना मिशन की तजावीज का, जिनके तहत अंग्रेज कांग्रेस को हुकूमत देना चाहते थे, डट कर मुकाबला किया और हिंदुओं की हर चाल को नाकाम बनाया। इस मिशन को बिल आखिर तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेटे कैबिनेट मिशन यानी इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो ये मिशन स्टार्ट किया जा रहा था, ठीक है, और इसमें कांग्रेस की मनपसंद डिवीजन की जा रही थी, ठीक है, मुसलमानों को नजरअंदाज करके। तो कायदे आजम ने इसका मुकाबला किया और जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग को भी बकायदा तौर पर वही सारी की सारी जो है वो इसमें रिप्रेजेंटेशन दी और मुसलमानों से पूछे बगैर कुछ भी नहीं किया। कायदे आजम बतौर गवर्नर जनरल आखिरकार फिर पाकिस्तान आजाद हो गया अल्लाह ताला की रहमत से और कायदे आजम की कोशिशों से। तो कायदे आजम बतौर गवर्नर जनरल जो है पाकिस्तान को उन्होंने ओहदा संभाला 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, और उसके बाद बेटे 1948 11 सितंबर को कायदे आजम अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। उनकी तबीयत की खराबी की वजह से आखिरकार वो अलील हुए और अलील की होने की वजह से ही वो वफात पा गए, ठीक है। और हासिले कलाम आखिर में आप लिख देंगे कंक्लूजन क्या है जी, कि यानी जो भी कौमें हैं उनके जो लीडर्स अगर हों, उनके पास अच्छे लीडर्स अगर मैसर आ जाएं तो वो कामयाब हो जाती हैं। कायद आजम जैसी हस्तियां सदियों में पैदा होती हैं और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बकायदा तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कामयाब कराने के लिए अपना किरदार अदा किया। बेटे आज ही हमारा पांचवा सवाल भी पाया तकमील तक पहुंचा। इसके बाद अगला सवाल है कि हमें पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात, यानी जब पाकिस्तान बन गया तो उस वक्त इनिशियली क्या प्रॉब्लम थी जिनको फेस करना पड़ा पाकिस्तान को। बेटे इनका जिक्र इंशाल्लाह हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कुछ सवाल है तो बेटे जरूर पूछिए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलूंगा, ठीक है सर, थैंक यू।